कराची में आवाम के लिए नहीं किसी और एजेंडे पर काम हो रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत किसी ने कराची वालों का दर्द नहीं समझा। खालिद मकबूल सिद्दीकी को तो एमक्यूएम से भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा तजर्बा रहा है, लेकिन एमक्यूएम की साख को एक हद तक मुतासिर किया गया। कराची में आवाम के लिए नहीं किसी और एजेंडे पर काम हो रहा है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सवालात को नजरअंदाज किया। फारूक सत्तार ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत किसी ने कराची वालों का दर्द नहीं समझा। खालिद मकबूल सिद्दीकी को तो एमक्यूएम से भी मुस्ताफी होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खुद क्या कारकर्दगी दिखाई? खालिद मकबूल सिद्दीकी को वजारत लेनी ही नहीं चाहिए थी और इन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था।